नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ज्ञात हो कि रेगा विधानसभा चुनाव करण प्रारंभ हो चुका है। सभी प्रत्याशी इस चुनाव को जीतने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। एक ओर जहां भाजपा अपनी टीम को मैदान में उतार कर हर दिन जनसमर्थन जुटा रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की प्रत्याशी कल्पना वर्मा भी अपने पिछले अनुभव के आधार पर मैदान में है। कांग्रेस ने भी अपने बड़े नेताओं ने मैदान में उतारना प्रारंभ कर दिया। पिछले दिन अजय सिंह राहुल भी जनता को संबोधित कर रहे थे, तो अब 19 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी जनता के बीच अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार भाजपा के मुख्यमंत्री भी दशहरा के दिन रेगाव क्षेत्र में जनसंपर्क में रहेंगे। आज हमारी टीम ने कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती कल्पना वर्मा से चुनाव की रणनीति के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि मैं 2013 से रेगाव की जनता के बीच में हूं और उनके आशीर्वाद से यदि जीत मिलती है तो मैं क्षेत्र का बेहतर विकास करूंगी। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और आज हम मिलेंगे कल्पना वर्मा जी से जो कि रेगाव विधानसभा क्षेत्र की विधानसभा प्रत्याशी हैं और उनसे जानेंगे कि क्या रणनीति है चुनाव को लेकर और रेगाव विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कौन सी सौगातें दे सकते हैं। पिछली सरकारों ने रेगाव विधानसभा क्षेत्र को क्या नहीं दिया जिसके कारण जो है जनता इनको चुनकर। आपका राजनीतिक जीवन कब से प्रारंभ हुआ और किन किन पदों पर आप रहे हैं? मैं 2013 से कांग्रेस पार्टी में आई हूँ। 2013 में जब मंडी का चुनाव हुआ था उस समय मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी। उसके बाद मैं जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रही हूँ और फिर मैं जिला पंचायत की सदस्य हुई जो वार्ड क्रमांक 2 कोठी सर्किल में आता है। वहाँ से मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ी और जिला पंचायत सदस्य हुई। उसके बाद मैं महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव भी हूँ, अभी भी हूँ। और 2018 में मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने का पार्टी ने अवसर दिया और पुनः 2021 में मुझे पार्टी ने अवसर दिया। बहुत से प्रत्याशी ये देखे गए कि जो सिर्फ चुनाव के समय ही अपने क्षेत्र में भ्रमण में रहते हैं, तो क्या आप इन विगत 5 सालों में निरंतर जनता के बीच में रही है या चुनाव के समय ही आप रह गई? मैं 2013 से आज तक कंटिन्यू जनता के बीच में हूँ और आज जो मुझे पार्टी ने ये अवसर दिया है वो जनता की मांग के मांगने पर ही दिया है। जनता की डिमांड पर ही मुझे कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया। जनता ने बोला कि भाई हमको कांग्रेस पार्टी से ये प्रत्याशी चाहिए, तब जाके कांग्रेस पार्टी ने। सर्वप्रथम मैडम आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम कल्पना वर्मा है, मैं जिला पंचायत की सदस्य भी हूँ और पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी थी और वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हूँ। चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? चुनाव को लेकर हम लोग जो मुद्दे हैं, जो रणनीति है, वो हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और जो जनता की मांगे हैं जैसे सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, इन सब को लेकर हम लोग काम करेंगे। सड़क, बिजली, पानी तो ये जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, ये सभी सरकारें देती है। आप रेगांव क्षेत्र के विकास के लिए क्या करना चाहती हैं, क्या विजन है? क्योंकि आज बहुत से प्रत्याशी बड़े बड़े प्रलोभन जनता को देते हैं, उसके बाद भी जो है वहाँ विकास नहीं होता, तो रेगांव क्षेत्र में क्या विकास आप कराना चाहती हैं? मैं जनता से मतलब कहना चाहती हूँ कि 30 सालों से अभी बीजेपी के विधायक रहे हैं और बीजेपी की सरकार भी रही है, 2008 से कंटिन्यू अभी तक केवल घोषणाएं की जा रही हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया गया रेगांव विधानसभा में। आप देखें तो रेगांव विधानसभा मध्य प्रदेश की इकलौती विधानसभा ऐसी है जो सबसे पिछड़ी है। किसी भी तरीके से विकास नहीं किया गया, हर विकास से वंचित है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे, और हमारे इस समय अब 2 साल से हो गया बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोविड का बहाना चल रहा है, पर का फीस कंटिन्यू लग रही है। तो इस तरह से विकास बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं, तो मैं जो आने वाले समय में यदि मुझे मौका मिलता है ईश्वर की कृपा से, जनता की कृपा से, तो मैं चाहूँगी कि जो सर्वप्रथम बरगी नहर का पानी है वो हमारे यहाँ आए और किसान भाइयों को पानी की सुविधा प्राप्त हो।